कोई घर पर नहीं है क्या? नहीं है, मैडम है, तपस है, अविनाश जी अभी अभी आए हैं। कब से फोन कर रहा हूँ, कोई उठा ही नहीं रहे। आओ। वैसे घंटी भी खराब है। रिया, रिया, तपस, रिया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं आज अपनी चाबी भी भूल गया। रिया, अविनाश, तपस, कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अविनाश, रिया, रिया कहाँ है? रिया, रिया, साहब, रिया मैडम को भी मार दिया, साहब, रिया मैडम को भी मार दिया। क्या? ये आई, ये देखिए, ये डॉक्टर फर्नांडिस, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, मेरा पीए अविनाश है। Martin, arrest him and take the murder weapon. दे, murder weapon दे, दे। अरे गेम अरे गेम अरे। Arrest कर, handcuff लगा। He is harmless. I mean, usually he is, but. सर, ये मेरा छोटा भाई है, तपस। ही इज पैस्टिक, आई मीन ही इज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी। दूसरी लाश कहाँ है डॉक्टर फर्नांडिस? मेरी वाइफ रिया। I'm sorry डॉक्टर, पर ये हुआ कैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो बस संभालिए डॉक्टर। पाटिल, जरा उनको नीचे लगे डॉक्टर। चलिए चलिए, आप नीचे बैठिए, मैं आता हूँ। और हाँ, कॉल द एम्बुलेंस। तपस, तुमने ये सब किया क्यों? क्या वजह थी, बोलो, क्यों गलबाए तुमसे? ऑफिसर प्लीज, एक मिनट। सर, मैं यही सवाल तपस से हजार बार पूछ चुका हूं, लेकिन तपस ने मुझे भी जवाब नहीं दिया। आई थिंक ही इज इन शॉक। मुझे लगता है अगर हम इसे थोड़ा वक्त दे तो ये जरूर साफ साफ हमें बताएगा। प्लीज सर, प्लीज। ओके ओके, डॉक्टर फर्नांडिस, क्या आप बता सकते हैं कि आपके और आपके पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा था? आई मीन, कोई तनाव, कोई प्रॉब्लम्स?
मेरा और रिया का रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा था। हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। मैं अगर एक दो दिन के लिए शहर से बाहर जाता था तो रिया को अच्छा नहीं लगता था। She used to miss me। एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे हम। In spite of the age gap, you know, we loved each other. I hate you. I just hate you, and I hate my life. आपसे शादी करकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। रिया, I promise you, मैं कल लेके जाऊंगा ना तुम्हें मूवी दिखाने के लिए। आज मैं बिजी हो गया था अपने पेशेंट्स में, अपने अपॉइंटमेंट्स में, भूल गया। आपके पेशेंट्स, आपकी अपॉइंटमेंट्स और मेरा क्या? My friends were right. They were right कि अपने से डबल एज के आदमी से शादी करकर गलती की है मैंने। I just made a mistake. डॉक्टर फर्नांडिस, आपकी वाइफ और आपका भाई तपस, इन दोनों के बीच रिश्ता कैसा था? आई मीन, उसकी ऐसी दिमागी हालत होते हुए बहुत दिक्कत होती होगी ना? एक्चुअली नहीं, रिया तपस को अपने छोटे भाई जैसे ही समझती थी। इन फैक्ट ऑन आर हनीमून शी इंसिस्टेड कि तपस हमारे साथ में आए। मैं तो दिन भर अपने क्लिनिक और मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में बिजी रहता था। इट वॉज हर हु टुक केयर ऑफ तपस। इसी वक्त पर खाना खिलाती थी, इसी वक्त पर दवाइयां देती थी। आई कांट बिलीव दिस रिया। आई मीन, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस मेडिसिन? तुम जानती हो ना, उसे वक्त पे खाना मेडिसिन नहीं मिला तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, फिर सीरियस पैसे मार सकते हैं उसे। खाना, भूख लगी और हाँ, ये लो। आई कांट बिलीव यू, यू सो इरिस्पॉन्सिबल रिया। लिसन, आई हैव अ लाइफ, ओके? आई एम योर वाइफ, नॉट दिस नर्स। अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी, थोड़ा लेट हो गया, व्हाट्स द बिग डील? खाना नहीं दिया, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? तो कुछ होने का इंतजार करें करिया। और इतना तीखा खाना खाकर कितना एग्रेसिव हो जाता है पता नहीं है तुम्हें? सर, आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिज मेडिसिन। पंचनामा हो गया सर, बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। गुड, अभी एक काम कर, एक रिपोर्ट बना दे। ओके सर। और हाँ, इसका ड्रेस चेंज करा दे। ओके, और ये जो टी शर्ट है हाँ, उसको एविडेंस के तौर पर। ओके सर। ठीक है तपस, सर मुझे लगता है मुझे अविनाश की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उसकी आप अभी फिक्र मत कीजिए, विल डू दैट, विल मैनेज इट। बाय द वे डॉक्टर फर्नांडिस, टेल मी वन थिंग, आपने बताया था कि आप घर पे नहीं थे, तो अविनाश आपके घर पे क्या कर रहा था? मैंने उसे यहां बुलाया था। आई थॉट इससे पहले कि मैं और रिया हमारी एनिवर्सरी डिनर के लिए बाहर जाएं, मैं उसे कल की अपॉइंटमेंट्स के लिए ब्रीफ कर दूं। थोड़ा अविनाश के बारे में बताएंगे आप? अविनाश वॉज जस्ट लाइक अ फैमिली। वो तपस से बिल्कुल वैसे ही प्यार करता था जैसे मैं प्यार करता हूँ। He was an absolutely honest and trustworthy man. मुझे पता है, I had promised you कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाऊंगा। But try and understand, darling, मेरी कॉन्फ्रेंस आने वाली है, I have to prepare for it. ठीक है, ये तो आपका रोज का ही है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अविनाश को ही भेज दीजिए, वो ही बेटर होगा। अरे हर बार मैं अविनाश को नहीं भेज सकता, क्या सोचेगा वो? मेरे लिए काम करता है, तुम्हारे लिए काम करता है। वो जो भी सोचे, आप बस अविनाश को ही भेज दीजिए। सर अगर अर्जेंट नहीं है तो आप कहें तो सर मैं चला जाता हूँ सर। I'll call you back. अर्जेंट ही है, शॉपिंग। As usual. कोई बात नहीं सर, आई विल गो। अविनाश, I'm really sorry. I know तुम्हें मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन
डोंट वरी सर, मैं आपसे ओवर टाइम नहीं मांगूंगा. ओके, हियर इज अ कार्ड. ओके सर. 5,000 का स्कर्ट, वो भी इतना सा कपड़ा कम पड़ गया था क्या? नहीं, आई मीन दिस लुक्स लाइक एन एक्स्ट्रा लॉन्ग हैंडकरचीफ रादर देन अ स्कर्ट. मुझे पता था कि आप ऐसे ही कहोगे. दिस इज इन ट्रेंड, बट यू आर जस्ट सो आउटडेटेड. यू नो व्हाट, स्टॉप एक्टिंग लाइक यू आर इन द 16th सेंचुरी. इस पुराने पुश्तैनी घर की तरह. या व्हाट डू यू मीन 16th सेंचुरी? अरे वो दिखा है, वो क्या जमाना आ गया है. रुमाल का स्कर्ट बना के बेच रहे हैं, वो भी 5,000 रुपीज का. अरे अविनाश, थैंक यू. हाँ, एंड खाना खा के जाना. थैंक यू सर. सर एक्चुअली घर पे खाना रेडी है, मैं बस थोड़ा पानी लूंगा. आप बैठे रहिए, मैं फिर से ले लेता हूँ. ओके. रिलैक्स रिया, क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? और सारा दिन मुझसे मॉल में इतने दूर दूर थे, आज तुम्हें हो क्या गया? रिया रिलैक्स, कहीं भी शुरू हो जाती हो यार, कहीं भी. तुम जानते हो तुम्हारे डॉक्टर कितने फेमस हैं? और मैं फेमस नहीं होना चाहता. इस तरह Baby, we have to be discreet. हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा. तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं समझ रही. I don't care. I really don't care. रिया, अविनाश पानी मिला क्या? हाँ सर. Let's go. ये लो तपस. प्रेस करो. Are you okay? हाँ सर, सब ठीक. हाय तपस, हाउ आर यू? अरे वाह, एक्सरसाइज हो रही है बराबर. वेरी गुड. हम साथ में कल खेल रहे हैं फिर. इवनिंग में आता हूँ. सर मल्होत्रा की जो फाइल थी मैंने शायद आपके पास लाके छोड़ी, लेकिन मेहता जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. हमें सस्पेक्टेड मर्डरर को जेल ले जाना पड़ेगा, मतलब आपके भाई को हमें हिरासत में लेना पड़ेगा. सर आई एम, मुझे अपने भाई की चिंता हो रही है. आप जानते हैं ना कि उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि वो जेल लॉकअप वहां के रूल्स को समझे. आपको पता है ना कि वो घबराइए नहीं डॉक्टर, ऐसे कन्विक्ट्स को हम जेल में नहीं रखते, हम उन्हें साइकिक वार्ड में रखते हैं और डॉक्टर्स के अंडर इंटरोगेशन कराते हैं. और आप तो गोवा के बड़े फेमस डॉक्टर हो. यू कैन ट्रस्ट मी डॉक्टर, एंड डोंट वरी अबाउट इट.
उसकी देखभाल अच्छी की जाएगी। हाँ, अगर आपका भाई कोऑपरेट करके सब बता दे तो सब हो सकता है। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं ऑफिसर। आप मुझे बस आधा घंटा दीजिए। अगर मैं तपस को उसकी दवाई दे दूं और थोड़ी देर रिलैक्स करा दूं उसके कमरे में, तो आई एम श्योर वो रिलैक्स होने के बाद मुझसे बात जरूर करेगा। आई एम सॉरी डॉक्टर, हम उसे ऐसे अकेले कमरे में नहीं रख सकते। अगर वो भाग के चला गया तो वो भाग कर जाएगा कहां ऑफिसर? ऑफिसर आप जानते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसने किया क्या है। वो भागने की नहीं सोचेगा। ठीक है, तो हम एक कांस्टेबल उसके कमरे के बाहर रख देते हैं। ओके, हेलो, या डॉक्टर फर्नांडिस? No, we can't make it. Please cancel it. Thank you. Restaurant se phone tha. Aaj hamari anniversary ke din maine Riya ke favorite restaurant mein table book kiya tha. Socha tha aaj Riya aur main, और आज ही के दिन वो मुझे छोड़ के लिसन डार्लिंग, आई हैव अ ब्यूटीफुल आइडिया। यू नो आई एम गोइंग फॉर दिस कॉन्फ्रेंस एट दिस वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट इन मारगांव, तो मैं सोच रहा था कि तुम साथ में आ जाओ ना। यू कैन कम अलोंग, यू विल रियली एंजॉय देयर। अरे नहीं, एक्चुअली आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, आज मैं घर पर ही रेस्ट करूंगी। क्या हुआ? Is everything okay? Do you want me to come home? अरे नहीं नहीं, आप घर मत आइए। वो मेरे ना पेट में थोड़ा सा दर्द था बस। वो कल रात को मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया था शायद इसी वजह से। But you don't worry, I'll be fine. You want me to fix up an appointment with Dr. Rashmi for you? Oh no no no, आप अपनी कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल मत कीजिए। आई बी फाइन, सीरियसली। अच्छा ओके, यू टेक केयर। और कुछ भी जरूरत होगी तो जस्ट कॉल मी। या श्योर, बाय। अरे अविनाश, यू नो आई एम गोइंग फॉर दिस एक्सीलेंट ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस, यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ गुड डॉक्टर्स एंड फार्मा कंपनीज ओवर देयर। आई थिंक यू शुड जॉइन मी, इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। यस सर। ओह नो, व्हाट हैपेंड सर? एक्चुअली मेरे जो मालवण वाले अंकल थे ना सर, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है सर। मुझे उन्हें मिलना जाना है सर, एंड बहुत दिनों से तबीयत ख़राब है सर उनकी। फाइन, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। वैसे हुआ क्या उन्हें? डॉक्टर साहब ओल्ड एज, ओल्ड एज तो यू नो डॉक्टर साहब, कोई इलाज नहीं होता उसका। ठीक है तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर में निकलूंगा। ओके, थैंक यू सर। हेलो अविनाश। यस सर। कहाँ हो तुम? सर मैं तो मालवण के रास्ते पे हूँ सर। ड्राइव करके जा रहे हो क्या? सर मैं तो बस में हूँ सर, बस पहुँचने वाला हूँ। अच्छा, कुछ काम था आपको सर? नहीं। ओके बाय। ओके सर, टैक्सी। वहां पर चलोगे? आई डोंट लाइक रोजेस। बट ऑल गर्ल्स लाइक रोजेस। आई डोंट लाइक रोजेस। आपको हर लड़की के बारे में पता है, बट यू डोंट नो अबाउट योर ओन वाइफ। आई लाइक लिलीज, फ्रेश वाइट लिलीज।
हेलो बहादुर जी सर। देखो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो घर का ध्यान रखना और किसी को आने नहीं देना। सब मुझे तो मैम साहब ने छुट्टी दे दी है, मैं घर पर ही हूँ। हेलो डार्लिंग, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुमने फोन उठाने में बहुत देर कर दी। वो मैं एक्चुअली सो रही थी और फोन साइलेंट पे था तो पता ही नहीं चला कि बज रहा था। वैसे आप कहाँ हो? मेरा मतलब आप कहाँ पहुँचे हो? नहीं मैं ऑन द वे हूँ, जा रहा हूँ अभी कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा सुनो, वो जरा वॉचमैन को बुलाओ ना बाहर से, उससे बात करनी है, उसे कहना है कि किसी को घर में आने ना दे और ठीक तरह से ड्यूटी करे। नहीं वो मैं बोल दूंगी बहादुर को, वो मेरे सामने ही खड़ा है। आप आराम से जाइए एंड प्लीज डोंट वरी, आई विल टेक केयर। कौन आया? वो पिज्जा, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था ना, मुझे भूख लग रही थी इसलिए। तुम्हारे तो पेट में दर्द था ना? ओवरडोज दे दिया, अब वो सीधे कल सुबह ही उठेगा। आओ मेरे साथ। Are you sure? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर तपस जाग गया तो डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया तो कभी हम पकड़े गए तो अगर ये हो गया तो अगर वो हो गया तो तुम्हें तो हर गलत चीज के होने पे भरोसा है। क्या? अरे तुम इंसान हो या मर्फीज लॉ? या एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, राइट? कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, गेम ऑफ ट्रस्ट। गेम? कैसा गेम? हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। हमें भी अपने प्यार को ऐसे ही ढूंढना है। चलो घूम जाओ।
चलो ढूंढो मुझे. टेल मी, डू यू ट्रस्ट मी नाउ? डू यू ट्रस्ट मी? कम ऑन, ढूंढो ना, ढूंढो और ले लो मुझे अपनी बाहों में. हाँ, देख मिल गई. देखा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता. नाश्ता चाहिए, भूख लगी है, मुझे नाश्ता चाहिए. लो तुम्हारा नाश्ता. अभिना, आए तपस? मैं बस अभी आया, मुझे कुछ फाइल्स देनी थी. लो बादाम भी खा लो. सर आप अपने कॉन्फ्रेंस से आप जल्दी आ गए वापस. मैं तो बहुत लेट हो चुका. आज तुम बहुत सुबह सुबह आ गए. नहीं सर, मैं वो कुछ फाइल्स देने आया था, ताकि आप जब कल क्लिनिक आओ तो पेशेंट्स की हिसाब आपको रिपोर्ट्स मिल जाए. आजकल बहुत होशियार हो गए हो तुम. इंक्रीमेंट तो नहीं मांगोगे ना, इन कैश और इन काइंड? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप. कोई काम अगर ठीक से करोगे तो ही तो मिलेगा ना कुछ. मिस्टर मेहता की फाइल कहाँ है? कहाँ है उनकी फाइल? पर मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें यहां सोचने के लिए नहीं रखा है. बादाम का भाई, बादाम खाने से अक्कल आती है ना? बादाम खाने से उतनी अक्कल नहीं आती है भाई, जितना धोखा खाने से आती है. एनीवे, रिया तुम आज बहुत खुश लग रही हो, कुछ कहना है मुझसे? Anything you want to share? नहीं. Sure. बिल्कुल कुछ भी तो नहीं. क्या है ना कि आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर रौनक देखी है. रिया, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? क्यों, लेकिन आप इतने सालों बाद इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, वो भी बाहर वालों के सामने. अविनाश, ये बाहर वाला डार्लिंग, ये तो अपनों से भी अपना है, नहीं? हाँ बिल्कुल. अविनाश, मुझे कुछ लगेगा तो मैं तुमको बुला लूंगा. ठीक है सर, मैं चलता हूँ. उसने मुझे धोखा दिया, मेरे भरोसे को तोड़ा. रिया इज रॉन्ग. रिया इज रॉन्ग. अविनाश,
उसे मैंने अपने छोटे भाई जैसा समझा, छोटे भाई जैसा प्यार किया। उसने मेरे ही घर में घुस के मेरे ही पीछे, हम जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं अक्सर वही हमारी आंखें खोल देता है। अविनाश को ऐसा नहीं करना चाहिए। He's wrong. लेकिन अगर ये दोनों रॉन्ग हैं, तो मैं भी रॉन्ग, क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस, ये सिचुएशंस मैंने क्रिएट किए हैं तपस। अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी की, What was I expecting? क्या सोच रहा था मैं? I'm also wrong. I'm wrong. On second thought, Tapas, रिया ने जो किया वो समाज के खिलाफ हो सकता है, मगर नेचर के खिलाफ नहीं है। I mean, अगर कोई औरत और आदमी एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, then sex is natural. ये हवस, वासना जिसे हम कहते हैं, it's basic human emotion. It's written in our DNA. इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे हम बदल नहीं सकते। There, Rhea is right. Rhea is right. This world is full of opportunities, and everybody is an opportunist in some way or the other. अविनाश ने मिली हुई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, देयर ही इज राइट, अविनाश इज राइट। और अगर इन दोनों के बीच में मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा दिल दुख रहा है, मैं उदास हूं, तो देन आई एम राइट टू, तपस आई एम राइट। लेकिन अगर सब राइट है, तो फिर रॉन्ग कौन है? हु इज रॉन्ग? रॉन्ग है सर्कमस्टेंसेस, हमारी सिचुएशंस जिसके चक्रव्यूह में हम फंसे हैं, विद आर प्री कंसीव्ड नोशंस एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। हमें सर्कमस्टांसेस को मारना होगा। कैसे मारेंगे? इस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल के मूव आउट एंड मूव ऑन। रिया अगर अविनाश के साथ खुश है तो है, खुश है, खुश है, खुश है, बस बस एक बार आके मुझे कन्फेस कर दे, मुझे बता दे, क्योंकि इतना तो डिजर्व करता हूं ना मैं। उसके बाद वी ऑल मूव आउट ऑफ दिस vicious circle of circumstances. Move out and live happily ever after. नहीं अविनाश, मैं थक गई हूं इस दोगली जिंदगी से, और तुमसे मिलने वाले प्यार के छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट से। एक काम करते हैं, हॉलीडे पे चलते हैं। यहाँ मेरे दोस्त का बहुत रोमांटिक सा रिसॉर्ट है, इट्स कॉल्ड ला कबाना रिसॉर्ट।
जहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा, सिर्फ हम दोनों, वो भी अकेले। वाह, नाइस नाइस प्लान। हाँ, मतलब छोटी से थोड़ा सा बड़ा प्यार का इंस्टॉलमेंट है ना। नो, आई एम जस्ट टायर्ड, टायर्ड ऑफ माय बोरिंग हस्बैंड एंड हिज मैड ब्रदर। तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? डिवोर्स दे दूं और फिर क्या करूं? तुमसे शादी कर लूं है ना, तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊं। तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते, मेरा क्या रखोगे अविनाश? तो क्या कर सकते हैं यार? आई थिंक आई हैव अ प्लान। क्या? अगर मैं डॉक्टर को अभी डिवोर्स देती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर का 80% पैसा तपस के नाम से ट्रस्ट में चला जाता है, ताकि अगर डॉक्टर को कुछ हो जाए तो सारा पैसा तपस को मिल जाए, ताकि उसे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन लेकिन जरा सोचो अविनाश, अगर तपस ही ना रहे तो? रिया, तुम कहना क्या चाहती हो यार? ओ कम ऑन अविनाश, जैसे तुम समझ ही नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यू नॉट सो डम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तपस हमारी लाइफ में ना रहे, वो मर जाए, तो उसे भी छुटकारा मिलेगा और हमारी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। बस बस किसी तरह हमें तपस को रास्ते से हटाना होगा। रिया, what are you saying? I'm not a bloody criminal, यार। It's not a crime. अगर किसी का भला होता है तो उसे क्राइम नहीं कहते। यहाँ पर तपस को एक नई जिंदगी मिल रही है, समझो, उसे छुटकारा मिल रहा है और हम भी सेटल हो जाएंगे। ये मुझसे नहीं होगा, ऑलराइट? तुम्हें नहीं करना, तुम्हें करवाना है। सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जो ये काम बड़ी ही आसानी से कर सके। राजू करके, and he's a bloody contract killer. That's it then, अविनाश। फिर तो हमारा प्लान सेट है। हमारी एनिवर्सरी वाले दिन, जब डॉक्टर मुझे रात को डिनर पर लेकर जाएंगे, 8 से 1 बजे के बीच, मैं अपनी सारी ज्वेलरी भी पीछे छोड़ जाऊंगी। It'll be a bonus for them. और फिर इस सब में तपस की एक्सीडेंटली डेथ हो जाएगी। तुम समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? We'll get settled, baby. सब सेट हो जाएगा and we can be together. अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? वो क्लब कबाना रिजॉर्ट? ला कबाना रिजॉर्ट। Trust. Trust is the root of all human relations. हम गुफाओं से, आदि मानव से इस सिविलाइजेशन तक इवॉल्व कर गए हैं। यह सब बेसिक ह्यूमन ट्रस्ट का ही नतीजा है। उसके बिना इंसान का यह सफर मुमकिन ही नहीं था। यू नो, वी ऑल आर टाइड ऑल टुगेदर in the bond of trust. Let me show you something. हम अपने कैब ड्राइवर पर, अपने ऑटो वाले पर भरोसा करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें हमारी सही जगह पर, हमारी सही डेस्टिनेशन पर ले जाकर ही छोड़ेगा। ये हमारा उस पर भरोसा है, उस पर ट्रस्ट है। Have a look at this gentleman. एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे भरोसा करता है कि वो उसकी देखभाल करेंगे, बल्कि वो बड़ा ही इस भरोसे के भरोसे पर होता है। उसी तरह एक पेशेंट भी अपने डॉक्टर पे भरोसा करता है।
लेकिन उन पेशेंट्स का क्या जो मेंटली इल होते हैं, यानी सेरेब्रल पैल्सी के शिकार होते हैं, वो कैसे अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें या अपने अपनों पर भरोसा करें? उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो हम उन्हें सिखाते हैं और जिसका नाम है रिपीट एक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। यस जेंटलमैन, रिपीट एक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। रिपीट एक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इज द की फॉर ट्रस्ट। रिपीट एक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इज द की फॉर ट्रस्ट। रिपीट एक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इज द की फॉर ट्रस्ट। Hi, welcome to La Cabana, sir. Hi. How may I assist you? I have a booking under the name of Mr. and Mrs. Avinash Patel. Okay, just a moment. Yeah, your booking is there, sir. Yep. This performance, I need your signature and name, sir. Yes, totally. Yeah. Avinash Patel. Like, you know. Wait till you see the whole place. Thank you very much. The keys, please. Yeah, sure. Thank you. अंधेरे पे रोशनी को सूरज पे ऐतबार, खुशबू को कलियों पे, भंवरों को फूलों पे, किसी न किसी को किसी न किसी पे होता है एतबार, 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 एतबार। हर इंसान हर लम्हा देता है इम्तिहान, पाने को सारी खुशियां ढूंढे सारा जहां, हर इंसान हर लम्हा देता है इम्तिहान, पाने को सारी खुशियां ढूंढे सारा जहां, लम्हों को समय पे, रास्तों को मंजिलों पे, किसी न किसी को किसी न किसी पे होता है एतबार, एतबार, एतबार। इंसान की हर तमन्ना उम्मीद बेटी के हैं, सपने जो उसने देखे पलकों में ही रुके हैं, इंसान की हर तमन्ना उम्मीद बेटी के हैं, सपने जो उसने देखे पलकों में ही रुके हैं, उम्मीदों को किस्मत पे, सपनों को हकीकत पे, किसी न किसी को किसी न किसी पे होता है एतबार, एतबार, एतबार। Of the fittest, and you are fit to survive. I'm fit to survive.
सुरक्षा करना, अपना बचाव करना, ये सबका अधिकार है, सबका हक है। हक है। भैया एक्चुअली तुम्हें पता है, लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए यू शुड ऑलवेज हैव अ डिजर्ट फर्स्ट। तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डू यू ट्रस्ट मी? ज़्यादा मिस करूंगी तपस, मेरा मतलब मैंने तुम्हें काफी मिस किया। तुम अभी घर पे आ जाओ, कुछ काम है। ओके। बस अभी अभी जब तुम ये खूबसूरत ड्रेस ट्राई कर रही थी। यू लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन दिस ड्रेस। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जानता हूँ, लेकिन कहाँ कभी किसी का प्यार पूरा होता है। देखो ना, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। अरे वॉचमैन, डॉक्टर साहब घर पे है ना? नहीं, वो अभी तक नहीं आए। नहीं है? अच्छा, अरे तुम वो आज? सर मैंने इसे बुलाया। लेकिन आज के दिन, सॉरी, एक जरूरी काम था, थोड़ा ही टाइम लगेगा, बाय द टाइम तुम तैयार होगी विल बी डन। ओके, ठीक है, लेकिन कम से कम एक दिन तो अपने बॉस को अपनी बीवी के साथ अकेला छोड़ दो। यस सर। बैठो अविनाश। जी सर। फाइल्स पढ़ो। जी। हाय तपस, हाउ आर यू? अविनाश, ये कुछ फाइल्स हैं, इन्हें पढ़ लो। हाँ जी सर। काफी दिनों से तुम ऑफिस नहीं आए, सोचा तुम्हें ब्रीफ कर दूं। इन्हें पढ़ लोगे तो तुम कल की अपॉइंटमेंट्स के लिए रेडी हो जाओगे। यस सर। सर, वो मिस्टर वर्मा की रिपोर्ट टेस्ट में नहीं है सर। मिलेगी,
इसी में मिलेगी, ध्यान से ढूंढो। अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो हम चलें? डार्लिंग, 5 more minutes प्लीज। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज मैं वो ब्लैक वाली टाई पहनता हूँ जो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर। प्लीज निकाल दो ना। ओके, थैंक यू डार्लिंग। अविनाश सर, मेरे ख्याल से वो पिंक नहीं, सर वो रेड फाइल थी। जा रहा हूं पर तुम इस जगह से मत हिलना, चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह से मत हिलना और दरवाजा मत खोलना, बस वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है?
ओके फाइन। डॉक्टर फर्नांडिस, अगर तपस का आराम हो गया हो तो हमें उससे पूछताछ करनी पड़ेगी, और अभी भी वो किसी शौक में है तो हमें उसे अरेस्ट करके लेके जाना पड़ेगा। हाँ, मैं चेक करता हूं। ठीक है। ठीक है डॉक्टर, एवरीथिंग फाइन? चक्कर आ गया। नॉट फीलिंग टू वेल। मेरा बीपी हाई हो गया, मेरी दवाई कम है, डिप्रेशन हो गया होगा। कहाँ है आपकी दवाई? नहीं, खत्म हो गई। वॉचमैन मेडिकल स्टोर जानता है, उसके साथ प्लीज अपनी जीप लेकर जाइए। ओके सर, ये प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ, आपने जीप लेके जाइएगा, जल्दी आ जाएंगे। नॉट फीलिंग टू वेल। डोंट वरी, बस यू गया और यू आया। थैंक यू। फाइन डॉक्टर, लगता है आपकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। नहीं ऑफिसर, आई थिंक एक गोली है मेरे बेडरूम में। क्या सुखराम? आना आना जल्दी। आया जी, चलो चल वहां बैठ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो डॉक्टर साहब को ऊपर ले जाना है उनके बेडरूम जी। साहब आइए, संभल के संभल के। इजी इजी। हाँ, दो क्या स्टेप। Psychiatrists are very intelligent people, isn't it? Everybody makes mistake, officer. आप बहुत भोले हैं या डम है, तय नहीं कर पा रहा। मतलब क्या आपको पता नहीं आपकी वाइफ और आपका पीए अविनाश का अफेयर था? What nonsense is this? Fact. It's a fact, doctor. अच्छा एक बात बताइए, लास्ट वीक आपकी वाइफ कहाँ थी? मुंबई, अपनी दोस्त अलीशा के पास। गोवा, अश्विन बीच, ला कबाना रिसोर्ट, अविनाश के साथ, और वो भी एक हफ्ता। प्रूफ है हमारे पास, चाहिए तो चेक कर लीजिए। और हाँ, आपकी वाइफ और अविनाश ने आपके भाई तपस को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो जो आपको घर में मिले थे वो रॉबर्स नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। बस बस ऑफिसर, अपना केस बनाने के लिए मेरी मरी हुई बीवी को और कितना बदनाम करेंगे आप लोग? कन्फेशन है मेरे पास, रिकॉर्डेड भी है। इतना सब कुछ हो गया डॉक्टर साहब और आपको पता ही नहीं चला? दूसरों को जज करते हो, मेंटल प्रॉब्लम्स क्योर करते हो, और अपनों को समझ नहीं पाए। क्या है ना ऑफिसर, हमें जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इल्यूशंस एंड इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिलेटिव, एंड दिस इज द बेसिक साइकेट्रिक प्रिंसिपल। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब वही तो
बात का मतलब हर कोई समझ जाता है, लेकिन मतलब की बात कोई नहीं समझता। इसलिए तो मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, काश कोई एक ऐसा आईना बनाता जिसमें इंसान का चेहरा नहीं उसकी नीयत दिखती। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा भाई बच गया या मुझे दुखी होना चाहिए। मेरी बीवी जिससे मैं इतना प्यार करता था उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। Do you believe in God, doctor? I don't know. I mean, it depends. It depends on your belief. अगर आपको किसी पर पूरा भरोसा हो तो वो इंसान भी ईश्वर बन जाता है, वरना ईश्वर भी ईश्वर नहीं रहता। कभी कभी लाइफ कल्पना से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट ऑन द ब्राइटर साइड एक तो तपस इज फ्री क्योंकि उस पर हमला हुआ, गुनहगार हमारे कब्जे में है और प्लानर्स ऊपर वाले। अच्छा हुआ कि तपस को स्ट्रैंगल करने की कोशिश की गई, अगर कोई चाकू या गन जैसे लीथल वेपन का इस्तेमाल किया होता तो हम उसे बचा नहीं पाते। ओके डॉक्टर, आई टेक योर लीव। द मोस्ट लीथल डेंजरस एंड शार्पेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड इज द ह्यूमन माइंड, इंस्पेक्टर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हैव अ गुड डे। टेक केयर। ट्रस्ट, भरोसा, एतबार, इसी से ये दुनिया चलती है तपस, जो मुझे तुम पर है और तुम्हें मुझ पर। यही हर रिश्ते की नींव और धरोहर है तपस। यू डिडंट लेट मी डाउन ब्रदर, यू डिडंट। आई लव यू भाई, आई लव यू भाई।